गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन न्यू ब्लॉग। और आज संडे है, सो संडे मन का डे। जैसे मंडे मन का डे होता है, लेकिन हमारे यहाँ संडे मन का डे होता है। संडे वाले दिन जो अच्छा लगे कर लो, क्योंकि मंडे वाले दिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। स्कूल जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है। सो अभी सुबह से घर की सफाई होगी थोड़ी देर, और मम्मी कर रही है अभी सफाई। देखो मम्मी अभी अपना काम कर रही थी, तो मैंने कहा मम्मी आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। वैसे कल बारिश हुई थी बहुत। सो अभी मैं बनाने वाली हूँ दाल के मंगौरे, तो उसी की प्रिपरेशन करते हैं, चलो। सो मैंने यहाँ पे दाल को पीस कर एकदम रेडी कर लिया है। इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च और अदरक को अच्छे तरीके से चॉप करके डाल दिया। यहाँ पे तेल मैंने गर्म होने लगा दिया है, हल्का हल्का गर्म हुआ है, अभी पूरी तरीके से गर्म नहीं हुआ है। सो अब हम बनाएंगे इस दाल की। जैसे दाल देखने में अच्छी लग रही है ना, एकदम बहुत टेस्टी बने थे इसके पकौड़े। से तेल गरम हो चुका है, अब यहाँ पे हम धीरे धीरे करके मंगौड़े बनाने वाले हैं। तो मेरे सारे मंगौड़े बन जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं सारे खा जाती हूँ और मुझे याद ही नहीं रहती है दिखाने की। आज ना धूप बहुत हो रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो मतलब दाल मिर्च वगैरह होती है उसे सुखा लिया जाए। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ देर से, मुझे टाइम हो गया था 15-20 मिनट हुई है अभी, तो दिखाती हूँ क्या क्या सूख रहा है। क्योंकि यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं और क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, दाल, हाँ, और ये मिर्च। सो गाइस, नाना धोना हो चुका है और जो मंगौड़े थे ना वो बन के खप भी गए। और ये देखो तरुण यहाँ पे काट रहा है बादाम। तरुण को हमने दिया है एक काम, बस एक ही काम, बादाम काटने का, जिसमें वो खा भी रहा है। तरुण, अगर आप लोगों को ऐसा बादाम कटवाने वाला चाहिए तो संपर्क करें, जो काटने से पहले ही आपके सारे बादाम समाप्त कर दे। सो इसके पीछे पीछे विकास भी आ गया। अभी ये लोग करेंगे यहाँ पे अपना, काट रहे हैं और अभी एक बजने वाले हैं। और सो अभी मुझे फाइल बनानी है, तो मैं उसकी तैयारी करूँगी थोड़ी देर आराम करके, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मैंने कैसी फ़ाइल बनाई है। और ऐसे इसमें मैंने कुछ इतना लिखा नहीं है, लिखना बहुत है, और उसमें छोटे छोटे मतलब हमारी, मैं सब आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता रही, कुछ सस्पेंस रहने चाहिए, ठीक है। सभी मिलेंगे थोड़ी देर में। विकास में जॉन सीना की पावर आ गई थी, और इसे खोपड़े में रखने वाला था, बल्कि निकल रही है। सो गाइस, गुड इवनिंग। और अभी हम लोग सो के उठे हैं, हम लोग नहीं, सिर्फ मैं सो के उठी हूँ, तरुण भी अभी सो के उठा है। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। सो गाइस, ये टेबल मैंने तैयार कर ली है, प्रेस करने वाली हूँ मैं, कि प्रेस गर्म होने लगा दी है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, ये है वो फाइल जो मैंने बनाई थी। अच्छी लग रही है ना, बस कवर और होगा, कैसी लग रही है मुझे बताना। सो ये फाइल बनाई थी, इस फाइल को बनाने में बहुत टाइम लगा है, अभी अंदर लिखना भी है, पता नहीं अब क्या होगा। सब ऐसे बाहर से अच्छी लग रही है, अभी प्रेस करते हैं फिर मिलेंगे। मैंने उन्नति, तरुण और वरुण की तीनों की ड्रेस प्रेस कर दी है, बट उन्नति की सिर्फ शर्ट प्रेस हुई है, उसकी स्कर्ट प्रेस नहीं हुई, क्योंकि मुझे स्कर्ट प्रेस करना नहीं आता। तो अब मैं अपना सूट प्रेस करूँगी। और ये रही उन्नति, कैसा लगा तुम्हें ये जानकर? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये क्या है, पानी मुझे दे दो, गर्म तो नहीं चाहिए। चलो हम अपने काम पर लगते हैं, इसे हटाते हैं, इसे हम लोग बिछाते हैं। तो गाइस ये देखो, ये मेरा सूट जिन्होंने बनाया था ना, उन्होंने इसे डबल साइज़ का बना दिया मेरे साइज़ से। अब इसे प्रेस करते हैं, चलो। जाके सामान देखे आओ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो गर्मी कितनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी मैं पंखा चलाऊंगी और अभी करूंगी मैं पढ़ाई। सो पढ़ाई करते हैं, कल मिलेंगे आप लोगों को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। ब्लॉग आज का ही ख़त्म होता है, होप यू लाइक इट, और गुड नाइट, बाय बाय।